फाइबर 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 बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है ना, बट वाई फाइबर्स आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. फाइबर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज फाइबर्स हेल्प्स रेगुलेट बॉडीज यूज ऑफ शुगर. और एडल्ट्स को एटलीस्ट पर डे 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है. और अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको भी 25 ग्राम्स फाइबर्स जरूर लेना चाहिए. सो लेट्स चेक इट आउट दिस वीडियो जिसमें हम ये जानेंगे आखिर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें रोजाना फाइबर्स मिल सकते हैं और हमारे पॉकेट पे ज्यादा महंगे भी नहीं है. नंबर वन, बीन्स. लेंटिल्स एंड बीन्स आर द इजी वे टू स्नीक फाइबर इन योर एवरीडे डाइट. दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. Your diet should be filled with soups, stews and salads. They are very beneficial for our overall health being. Number 2 is broccoli. Broccoli is full of antioxidants aur isme bahut sara fiber hota hai. Hame to aisa lagta hai ki iska naam hona chahiye fiber rich vegetable. Studies have shown that broccoli's 5 grams of fiber per cup can positively support the bacteria in the gut which may help your gut stay healthy and balanced. Number 3, berries. Berries are full of antioxidants and fibers too. और कितने yummy-licious भी तो लगते हैं. इनको तो रोजाना हमें अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए और आपकी वेट लॉस में भी तो कितने ज्यादा अच्छे हैं ये. नंबर 4 इज एवोकाडो. नाम तो सुना ही होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट फुल ऑफ फाइबर्स, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ विटामिन सी. इसको आप सैलेड में खा सकते हैं, एवोकाडो सैंडविच खा सकते हैं, एवोकाडो को आप फ्रूट के तरीके से खा सकते हैं, मतलब जैसे भी खाना है खाइए, लेकिन हाँ इसको डाइट में शामिल जरूर कीजिए. नंबर 5 इज होल ग्रेन. इफ यू आर अ ब्रेड लवर लाइक मी, हमारी तो लॉटरी लग गई. ब्राउन ब्रेड, ब्राउन पास्ता, ब्राउन राइस, इन सब में फाइबर्स भर भर के होते हैं. रियल होल ग्रेन्स फाउंड इन 100% होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, ब्राउन राइस एंड ओट्स. एंड ओट्स हैव फाइबर. According to Food and Drug Administration, whole grains should be the first ingredient on a food package in order for it to be considered a real whole grain. Number 6, apples. एक पुरानी saying है ना, an apple a day keeps the doctor away. अब इसमें fibers इतने सारे होते हैं, antioxidants बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने सारे गुण होते हैं कि इनको रोज़ाना हमें ज़रूर खाना चाहिए. Number 7, dried fruits. अब ड्राइड फ्रूट्स मतलब इतने यमिलीशियस होते हैं, इतनी यमी होते हैं. ड्राइड फिक्स हो गए, एप्रिकॉट्स हो गए, प्रूनस हो गए और डेट्स हो गए, मतलब दे कैन बूस्ट योर फाइबर इनटेक ड्रामेटिकली. सो यू कैन कंसीडर देम एज अ गुड फाइबर रिसोर्स. तो उसको आज से ही खाना शुरू कर देते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नट्स. टैन टैन सनफ्लावर सीड्स, मतलब कितने यमी होते हैं. फ्लैक्स सीड्स हो गए, जितने भी तरीके के सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स हो गए, ये सारे हमारे फाइबर्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाते हैं. दे आर वेरी वेरी गुड रिसोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स एंड लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. नट्स आर नॉट जस्ट अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स. सनफ्लावर सीड्स एंड आलमंड्स ईच हैव मोर देन 3 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन अ सर्विंग. दे कैन हेल्प यू रीच द 25 ग्राम इनटेक ऑफ फाइबर रिकमेंडेड बाय द FDA फॉर वुमेन एंड 38 ग्राम रिकमेंडेशन फॉर मेन. रॉ और ड्राई रोस्टेड नट्स आर प्रेफर्ड ओवर द प्री पैकेज्ड वैरायटी. जो भी हमने अभी बात की है ना, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके किचन में ना हो, जो आपके डाइनिंग टेबल पर डब्बे में ना रखा हो, या फिर जरा झांक के देखिए, हो सकता है आपके फ्रिज में भी पड़ा हो. इनको आज से ही खाना शुरू कीजिए और अपने फाइबर इंटेक को बैलेंस कीजिए. और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा.